हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल हाउ टू ग्रीनरी में हार्दिक स्वागत है। मैं ये खाद की जो मैंने किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाया था उसकी वीडियो मैंने पहले डाली हुई है और 2 महीने मुझे हो गए और मैं आज आपको इसका रिजल्ट दिखा रही हूँ कि ये पूरी तरह से मेरी कंपोस्ट बन के तैयार हो गई है। पौधों में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है और मैं इसकी वीडियो आपको पहले दे चुकी हूँ तो आप उसको देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने वो बनाई थी। ये वाला ड्रम था और अब 2.5 महीने बाद का मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। और मैंने ये बाल्टी में भी इसमें भी बनाई थी तो इसमें अभी प्रोसेसिंग चल रही है तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये प्रोसेसिंग है। इस बाल्टी में भी बनाई है मैंने और घड़े में भी बनाई है मैंने। तो इस तरीके से मैं छोटे छोटे अलग 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 जब 10-12 दिन का 15 दिन का कचरा इकट्ठा होता है किचन का तब मैं उसको इकट्ठा करती रहती हूँ और उसकी कंपोस्टिंग करती रहती हूँ। तो बहुत फ़ायदेमंद होता है किचन वेस्ट का क्योंकि उसमें ना सारा आपको मिल जाती है, कैल्शियम भी मिल जाता है, जो भी आपको प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आप इसमें से सारी पूरी कर सकती हैं। तो देखो ये मेरा 2 महीने बाद का रिजल्ट है और इस तरीके से मेरी खाद पूरी तरह से बन के तैयार हो गई है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बहुत अच्छी खाद बन के तैयार हुई है और आप भी इस तरीके से अपनी खाद बना के पौधों में डालोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो सारे ही अपने प्लांट्स में घर की बनी हुई खाद का यूज करती हूँ, सारा मेरा किचन का वेस्ट अपने प्लांट्स के लिए यूज हो जाता है। थैंक यू।